हमारी आखिरी जन्माष्टमी है आज, तो इसे बिना किसी झगड़े के अच्छे से मना लेते हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने। माय गॉड, रसगुल्ला, कहाँ जा रही हो? खजूर फिर से डांट रहा है क्या? चुप, यहाँ सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तुम जानती हो ये बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। तुम चाहती हो कि इसको पूरे गांव के सामने अपना लूं मैं, अपने सर पे नचाऊं इसको। प्लीज पास करो, पास करो। हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम मन के साथ। अरे भाड़ में क्या प्रॉमिस? तुम्हें इसका एक वादा तो याद है, लेकिन वो शादी के वक्त फेरों पे जो 7 वादे लिए थे वो याद नहीं है। नाजायज है। और इसके लिए तुम अपने राम को छोड़ने की बात करी उसी। यही तुम्हारा प्यार, तुम्हारे वादे। तो बच्चे को कचरे के ट्रक में तुमने डाला था? क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही हूँ। पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे? अपने नाजायज बच्चों को मार देते थे। और मैं भी सामने आ गई तो मुझे भी टक्कर देके मारने की कोशिश की, राइट? यही प्लान था ना? ये तो अर्कादीस, थैंक यू मैंने बचा ली तू, वरना पता नहीं क्या होता। स्वर्ग की टिकट मेरी पक्की थी। ये तुम कुछ भी बोले जा रही हो ना? सही कह रही हूँ। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या कोई चोर कभी एक्सेप्ट करता है कि वो चोर है? कहता है What? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें इसकी बातों पे यकीन हो रहा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमने ऐसा किया है, कातिल हो तुम। बस देखिए, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे हमारे बेटे की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राम पर उंगली उठाएंगी। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वाह, आइडियल वाइफ। अवर नालायक छोकरा ने एटलीस्ट सारी देवी जेवी छोकरी कह रहे थे मरी गई। તમે શું કરો છો? હું આટલે ટાઈમ થી કુવારી જ છું, તમે મારી ઉપર ધ્યાન નતા આપતા? નન્હે કાન્હા, તુમ કિતને કિસ્મત વાલે હો, તુમ્હે ઇન જૈસી માં મિલી। નહીં, વો મેરી માં નહીં, વો તો રસગુલ્લા હૈ। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारी माँ है वो। देखो, उन्हें माँ कह के पुकारो। मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरी माँ नहीं, आप मेरी माँ हो।
नन्हे कन्हैया, तुम तो बिल्कुल कान्हा जैसे नटखट हो। मैंने तुम्हारी जान जो बचाई, तुमने मुझे माँ कह के पुकारा। काश सच में मैं तुम्हारी माँ होती तो धन्य हो जाती। मेरी जितने नहीं पर आप क्यूट तो हो। थैंक यू। लेकिन दुनिया के सबसे क्यूट बच्चे का अवार्ड तो तुम्हें ही मिलेगा। कुंवर रानी साहब, जन्माष्टमी उत्सव के लिए गांव वाले आ गए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दीजिए। What? गांव वाले? Oh my God, सिया, तुमने पूरी बारात को बुला लिया है? I'm not even ready. Gosh, वैसे तो मैं मलिका बैरमगढ़ हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसी हालत में मैं बैरमगढ़ लग रही हूँ। I mean, चलो चलो चलो, तुम सब भी जल्दी चलो। Get ready, guys. मैं नहीं चाहती कि मलिका की फैमिली का कोई मजाक उड़ाए। Come on, guys. चलो छोटे लड्डू, तुम्हें भी तैयार कर देती हूँ मैं। मुझे माफ कर दीजिए बाल गोपाल, कि मन को बचाने के लिए मैंने आपको पानी में रखा। लेकिन मैं क्या करती, ममता में अक्सर माँ से ऐसा कुछ हो जाता है। हक होता है ना उनका। पर थैंक यू, थैंक यू मेरे मन को वापस सही सलामत यहाँ लाने के लिए। बस अब एक और इच्छा पूरी कर दीजिए आप मेरी, मेरे राम के दिल में मन के लिए जगह बना दीजिए। सिर्फ मैं इतना सा चाहती हूँ कि मेरा राम मन को तहे दिल से अपना ले। कितना सुंदर लग रहा है मेरा बाल गोपाल। अब ये कौन है? क्या रसगुल्ला, एक नाम पे टिको ना, अलग अलग बोलती हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरे ये सब एक ही भगवान के तो नाम है, कृष्णा। एक इंसान के इतने सारे नाम? हाँ, क्योंकि वो एक इंसान इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते थे, इसलिए सब प्यार से उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते थे। कृष्णा, गिरधर, गोपाल, कन्हैया, इसी। ऐसा क्या खास था उनमें, उनके इतने सारे नाम थे? बेटा, ये तो बात मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। वो इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते थे, बुरे लोगों को सजा देते थे, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और जो दिल से अपनी गलती मानकर उन्हें सॉरी बोलता था, उन्हें झटपट माफ कर देते थे। इसीलिए सब उनसे बहुत सारा प्यार करते थे और उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते थे। कुबरानी साहब, सब लोग आ गए हैं, आप लोग भी जल्दी आइए। ठीक है, तुम चलो, मैं लेके आती हूँ। अब चलें। चलो। डंडा किस लिए? इससे लोगों को मारते थे क्या? नहीं बेटा, वो ये बुरे लोगों को मारने के लिए यूज नहीं करते थे, बल्कि ये तो उनकी बांसुरी है। जब वो इसे बजाते थे तो सभी लोग बहुत खुश होते थे। तुम्हें ये बजा के सुनाऊं मैं?
गोपिका तैयार हुई कि नहीं। गोपिका कहाँ खोई हो तुम? इतनी मधुर बांसुरी की तान सुन के द्वारकाधीश की याद में मैं तो लीन हो गई। कौन बजा रहा है ये बांसुरी? इस घर में कुबरानी सा के सिवा इतनी मधुर बांसुरी और कोई नहीं बजाता। चलो अब जल्दी आ जाओ, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। जी कुबरानी सा की ये धुन इतनी मधुर है कि ऐसा लगा जैसे द्वारकाधीश के लिए प्रेम मेरे रोम रोम में जा उठा है। इसका तेज मेरी छवि को ऐसे प्रकाशित कर रहा है कि अगर मैंने खुद को संभाला नहीं तो सब मेरी पूजा करेंगे। तुम और तुम्हारी बातें, चलो आओ जल्दी से नीचे। क्या हुआ गोपिका? तुमने मन को बांसुरी बजाने से क्यों रोका? सूझ है ने, देखो सब हमारे नन्हे कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं और हमारा कन्हैया कितना मधुर बांसुरी बजा रहा है तो सारी गोपियां खींची चली आएगी ना, फिर हम अपने काने को कैसे बचाएंगे? सूझ है? अरे मारा आवाज से मैं डरी गया। हे द्वारकाधीश, आलो कोई नानिया नहीं बात में डरी जाए छे। शू करे छे? खाना गवार गांववालास। ओएमजी, ये मटकाज में क्या है? कुछ नहीं, बस जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है मल्लिकाए बहरामगढ़। How boring. सब आ गए अब तो, पर कंस नहीं आए। काकी आते ही होंगे, मैंने उन्हें निमंत्रण भिजवा दिया था। देखिए आ गए कंस। खाली हाथ नहीं आया है, मटकी फोड़ के लिए माखन भी साथ लाया है। आज इस शैतान का असली चेहरा मैं सबके सामने लाकर रहूंगी।
प्रणाम कुबरानी सा। प्रणाम। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने आने में? तैयारी कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने दाइमा की आवाज सुनी? कहीं कुबरानी सा ने मन ने पहचान तो नहीं लिया? नन्हे काना के साथ द्वंद युद्ध की तैयारी कर रहा था। काश दाइमा आपने वो ना किया होता जो आपने किया, तो आज आप भी हमारे साथ होती। आपके बिना हर त्योहार अधूरा है दाइमा। आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। नन्हे काना, आज आप ही मटकी फोड़ोगे क्या? जी हाँ, यही मटकी फोड़ेंगे। उसके बाद ना होगा राज अभिषेक और ना ये बनेगा बहरामगढ़ का वारिस। सिया, तुम रेडी नहीं अभी तक? वजह तुम जानते हो राम। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलोगी? कुछ बात करनी है। कोड़ी कुवरसा, आज आपकी दाइमा आपकी हर समस्या का हल कर देवेगी। आपकी परेशानी को हमेशा के लिए आपसे दूर कर देवेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज नाराजगी छोड़ दो। मान लो मेरा फैसला और अपना लो मन को सबके सामने। I promise, हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। लेकिन अगर तुमसे ये नहीं हो सकता है तो आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है यहाँ से बाहर जाने का। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने का वक्त हो रहा था। मटकी फोड़ने का वक्त हो रहा है राम, बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए चलो। इंतजार तो तुम्हारे डांस परफॉर्मेंस का भी हो रहा है सिया। सिया के पैर सिर्फ तभी थिरकते हैं जब वो बहुत खुश होती है, और इस वक्त उसके राम ने उसे कोई खुशी की वजह नहीं दी है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है राम, अपना फैसला बदल लो, मेरा रास्ता अपने आप बदल जाएगा, वरना फिर इसके बाद हमारा सफर और हमारी मंजिल दोनों अलग। बदलने तो मैं नहीं दूंगा सिया, ना ही तुम्हें, ना ही हमारे रास्तों को, और ना ही हमारी मंजिल को।